इस हफ्ते के करंट लाइफ में हम किसी के घर में घुस आए हैं, तीसरे फ्लोर पर आए हैं, बालकनी पर आए हैं, पता चला उनकी बालकनी पर भी एक बालकनी है, फिर उसके ऊपर भी एक बालकनी है जिसपे एक शीशे का घर है और लेट्स शो यू हु इट इज एंड वो घर कैसा है एंड आई होप कि वहाँ है। तलत हुसैन साहब, कैसे हैं आप? ऑल वेल, वेलकम। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस इन योर ग्लास हाउस। या वेल। वैसे मुझे कितना अच्छा लग रहा है टू सी दिस। मुझे बताइए इसकी कहानी क्या है? कहानी से कुछ नहीं है, बेसिकली हम जो है ना वो वी वांट टू यूटिलाइज द स्पेस अवेलेबल। बिल्कुल। जिस जगह भी आप खड़ी हैं, ये एक छत है और उसके साथ जो है ना वाटर टैंक है। हाँ। इन दोनों के दरमियान रास्ता था बहुत बड़ा, यानी देवर डिटैच लाइक यू नो ऑल वाटर टैंक्स वुड बी। सो हमने कहा यार ये स्पेस खराब हो रही है, फिर हमने इसको अटैच किया दोनों को, उसको हमने स्टोर रूम में कन्वर्ट किया, वेरी नाइस। फिर हमने इसके ऊपर सीढ़ियाँ लगाई, फिर हमने कहा ये तो बड़ा अच्छा पैड बन गया है। Wow. फिर हमने यहाँ पर ये सारी चीजें रख दी, देन वी मोल्ड दिस मूव दिस गजीबो हियर, दिस वाज अ गजीबो एक्चुअली, दिस इज सो कूल। तो फिर हमने कहा कि अब इसको यूज तो कर नहीं सकते, गर्मी में बहुत गर्मी होती है, सर्दी में बहुत ठंड होती है। हाँ। फिर हमने इसके अंदर शीशे लगा दिए, फिर हमने कहा ये तो बात नहीं बनी, फिर इसके अंदर हमने बेड डाल दिया। नाइस। अब फ्रेंकली My wife calls it a लड़ाई रूम। तो वो कहती है कि पहले हम लड़के सोचते होते कि कौन किधर जाएगा, तो अब जानबूझ के लड़ते हैं ताकि जो लड़े वो ऊपर आ जाए आराम से बैठे। अच्छा, तो इसका मतलब है ये ज्यादा इस्तेमाल होता है या कम इस्तेमाल? बहुत कम इस्तेमाल होता है फॉर लड़ाई पर्पसेस। लेकिन माय यंगेस्ट एक्चुअली कम्स हियर एंड डज होमवर्क, उनको कमरे से निकालना मकसूद है। So, you know, we don't get out of rooms enough. We don't look at the sky. We don't look at the stars. So that was the whole purpose. This is the best room in Islamabad. I think अगर आप anchor नहीं होते तो शायद फिर architect होते हैं। I have nothing to do with it. My wife is the one who does it. बिल्कुल। मैं आज इसका ना tag along. Nice. And with a paycheck, of course. I like this side of Talat Hussain. Very rare side हमने देखी। No, no. Honestly, I can't take credit for it. वो सारा खुद ही करती है। लेकिन ideas सांझे होते हैं। But she's the one who executes it and then, you know, adds value to it. Very cool. And can I see the rest of your house? Sorry if that's okay. No, absolutely. चलें, let's go. साथ में आपसे सवाल पूछूंगी। जी, पूछो। 2013 में आपने इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री की ऑफर रिजेक्ट की थी, कभी रिग्रेट किया? कभी भी नहीं रिग्रेट किया, बल्कि मुझे रिग्रेट ये है कि मुझे ऑफर की क्यों उन्होंने। अच्छा। बल्कि अभी भी मुझे ऑफर आई थी, अभी भी ऑफर आई थी। और मैंने, you know, honestly, I felt honored, jokes aside. Yes, of course. किसी ने कंसिडर किया तो मैंने कहा जी मेरा काम नहीं है, क्योंकि अगर मैंने कोई मिनिस्ट्री लेनी है तो फिर मैं सहाफत नहीं कर सकता। Of course. And that's the only thing I know, I think. I agree. So, मैं वो नहीं छोड़ना चाहता किसी सूरत में। अच्छा, ये बताएं कि टीवी और यूट्यूब में से अगर आपको एक चूज करना होता तो क्या चूज करते हैं आजकल? जी, यूट्यूब। ओह वाओ, इंटरेस्टिंग। हालांकि मैं बहुत कंजर्वेटिव जर्नलिस्ट हूं, यू नो दैट। मैंने सारी ट्रेनिंग जो है वो प्रिंट की है। लेकिन आई कांट बी इन डिनायल, यूट्यूब जो है उसको वही देखेगा जो देखना चाहता है। बिल्कुल। टीवी के जो नंबर्स हैं आई बॉल्स के, वो फेक है। मतलब इस वक्त टीवी लगा होगा हमारे कमरों में, कोई देख नहीं रहा उसको। सही बात है। लेकिन यूट्यूब जो देखेगा उसका डिजिटल फुटप्रिंट मौजूद है, यू नो एग्जैक्टली हाउ मेनी पीपल आर वॉचिंग, हु इज वॉचिंग यू, कौन देख रहा है आपको, एज ग्रुप क्या है, डेमोग्राफी क्या है, टेरिटरी क्या है, एंड इट हैज इम्पैक्ट। सो एनी टाइम यूट्यूब, प्रॉब्ली इलेक्शन के बाद, आई लीव टीवी। Oh wow, interesting. Yeah, great, yeah, breaking news, yeah, here there. Yeah. And so social media you would say is on number one. सबसे ज्यादा censorship पाकिस्तान में किस दौर में थी? जो देखें, मैं अपना experience generalize नहीं करना चाहता। हो सकता है दूसरों के लिए censorship दूसरे अदवार में ज्यादा हुई हो। और आजकल के दौर में भी लोग कहते हैं बहुत censorship है। यकीनन दुरुस्ती होगा और हम देख भी रहे हैं। लेकिन जिस viciousness से इमरान खान के दौर में सेंसर किया गया, जिस विशियसनेस से, जिस ऑडेसिटी के साथ, वो अनपैरेलल्ड है। उस तरह की हमने ऑडेसिटी और सीना फुला के सेंसर करना जो है ना, वरना होता था सेंसर करते थे वो अंदर खाने बाद, आई मीन जस्टिफाइंग इट, वैसी सेंसरशिप हमने ना देखी ना सुनी। ना सुनी। साथ मैं जिम देखना चाहूंगी और एक थोड़ा सा लोडेड सवाल, आप जियो में भी थे और जियो में कहा जाता है आपको निकाला गया था और किसी मिलिट्री मैन ने आपको निकाला था, इज दैट ट्रू? जी, डीजी आईएसपीआर के कहने पे निकाला। अच्छा, आईएस का कहने पे आपको निकाला? मतलब मेरे पास तो वो कम्युनिकेशंस हैं जो मैनेजमेंट ने मेरे साथ की, तो मैनेजमेंट की अपनी मजबूरियां थी, तो उन्होंने कहा था जी कि ये काम नहीं चलेगा, फिर उन्होंने कहा कि टीम को ऑफलोड कर दें, तो वाज़े अंदाज से बताया गया था कि डीजी आईएसपीआर की तरफ से कहा गया है कि जी इनसे शो नहीं करवाना। तो फिर मैंने मुनासिब से मैंने रिज़ाइन कर दिया और फिर सारी टीम चली गई बेचारी। और हमें ये बताया गया था जो ऑफिशियली कि जी वो फाइनेंशियल इश्यूज एंड ऑल दैट, हम डाउनसाइजिंग कर रहे हैं। लेकिन एज आई डिस्कवर्ड इट वाज ओनली माय टीम एंड मायसेल्फ हु वाज डाउनसाइज्ड, द रेस्ट ऑफ देम वर अपसाइज्ड एंड एक्सपेंडेड।
But that's the way the wheel spins. So what do you do? Do you feel bitter towards the media because of this? I understand the limitations. ये आप किसी से ना ये तवक्को नहीं करें कि वो आयरन मैन है या सुपर वुमन है. You know, it doesn't work like that. लेकिन ये जरूर था कि बाज़ जगहों पर मीडिया मुझे वो पंजाबी में कहते हैं चोर नालों पंडकाली, यानी वो अपने रोल जो सेंसरशिप है उससे आगे जाके सेंसर करने लग जाता है. सही बात. वो जरा बहुत ही घटिया हरकत है, उस पर मुझे जरा दुख होता है. दुख बिल्कुल होता है. इस कमरे में कितनी देर लगाते हैं आप? अढ़ाई घंटे. अबाउट टू एंड हाफ आवर्स. टू एंड हाफ आवर्स पर डे? या या या. एट वन गो? If I have time on the weekends, I have more times. One go. Otherwise, I can break it into 1 hour or 1.5 hours. और ये एक discipline कहाँ से आता है? Discipline. This is what I've done all my life. अच्छा, okay. I've been jogging since I was in grade 5. Wow. So that's one thing. The other thing is that there's too much bottled up inside you. आप बहुत ज़्यादा जो है ना वो frustration कहीं निकाल रहे हो. And then you really need to sweat it out. Thirdly, TV की अपनी requirement है. You need to look somewhat presentable. Somewhat. तो वो, but my son actually got me back into gym. वो जो कि अब international cricket खेलता है, national team member है. Yes, of course. तो वो उसकी training के लिए मुझे ना ज़रा वो जवान बच्चा है, तो फिर मैं तो to keep pace with him. Yeah. Can we see some moves? Well, basically, I use everything. Stretching है. बहुत सारी जिमिंग विद अलत हुसैन. आई थिंक या वेल आई एम नॉट गोना गिव यू अ प्रॉपर डेमो बट यू नो यू कुड प्रोबब्ली ये पुल अप्स आर माय फेवरेट. ओ माय गॉड, ये पुल अप वाकई पुल अप हो गया सीरियसली. अच्छा ये बताइए, सुना है कि आप क्रिकेट बनना चाहते थे या नहीं? मैं क्रिकेट बहुत खेलता रहा. अच्छा. यू नो क्रिकेट इज अ पैशन फॉर मी. आई स्टिल प्ले. आई थिंक आई एम आफ्टर सीइंग श्रीलंका यस्टरडे मुझे लगता है कि मैं बेहतर ही खेलूंगा. मतलब अगर मैं तैयार करूं मैंने आउट नहीं हो तो आउट नहीं हो. अच्छा. So cricket is what is in my bloodstream. लेकिन मैं कभी क्रिकेटर बनना नहीं चाहता था. मतलब हम आप उस जमाने की नहीं है फॉर्चुनेटली. हमारे जमाने में कुछ बनने वाला प्लान नहीं होता था. कुछ कर दें मतलब इम्तिहान पास कर लें तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. हाँ जी, कहीं पे छोटी सी नौकरी मिल गई शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. तो देयर वाज नो प्लान. लेकिन क्रिकेट हमने क्रेजी पैशन के साथ खेली, अभी भी खेलते हैं. अच्छा, एक और भी एंकर, कैन वी गो डाउनस्टेयर्स? डू यू थिंक हम साथ आने के लिए? अय्या, मैं यहां हम शूट करते हैं. एक और भी एंकर है, काशिफ अब्बासी, वो भी क्रिकेट खेलते हैं. या या, ही डज. हु इज द बेटर क्रिकेटर, काशिफ और यू? आई हैव टू कंसीड to the convention, say Kashif. Oh my God, achha. But then, I think reality may be otherwise. Oh, then another question. Who is the better anchor, Kashif Abbasi or Talat Hussain? I think our style is completely different. Kashif jo hai, wo zyada popular anchor se anchoring karta hai. Aur wo jisko kehte hain ki zara jhatke tarike se anchoring karta hai. I don't know how else to put it. More like sort of, you know, going for the common denominator between slightly upgrade and people's communication. Uska communication ka wo style hai. Main thoda sa again as I said, kyunki meri training sari conservative print ki hai. To main I like to be straight and narrow. Interesting. वैसे आपके दो और contemporaries हैं, मुबशिर लुकमान और शाहिद मसूद. Which one would you pick? Neither. Neither. एक अगर pick करना ही हो, भाई चाय के लिए मिलना है. चाय के लिए मिलना है? हाँ. सिर्फ चाय के लिए मिलना है ना? साथ बिस्किट भी ऐड करनी है. I don't know, डॉक्टर शाहिद मसूद से मेरी पुरानी दोस्ती है. मुबशिर has been kind to me. In between, he was unkind. So honestly, I don't know. I would probably not have tea. You just ban tea from your life forever. Exactly. But that both are kind of fine. अच्छा, ले आन, move on. I love this table. My life so far, Sayed Talat Hussain. Whose idea was this? This is my idea. This is fabulous. My idea. I love But again, executed by my wife and her, you know, team of formidable team of carpenters and whoever. Amazing. Basically, no idea is original. So this idea actually grew out of these tables. ये तो बहुत ही आला है वैसे वाकई. And then we thought कि यार हमने अगर center table रखना ही है तो why not do this? And मैंने एक मतलब इसकी picture post की तो लोगों ने कहा जी आपने किताब हमें signed copy भेजो. मैंने कहा किताब नहीं है, center table है. किताब आपने लिखनी है? I have chapters. अच्छा. लेकिन अगर मैं वो publish करूँ तो फिर मैं मुझे किसी और मुल्क में होना चाहिए. अच्छा, तो आप यहाँ से शायद. I think I've seen too much and I know a bit too much.
And you have to write it, of course. Eventually, yes. Eventually, yes. Yeah. But अभी इतना time नहीं. अच्छा ये बताएं, आप Twitter पे किसी को follow नहीं करते? No. Why is that? Number one, एक तो there are too many people that I would want to follow. तो अगर मैं किसी एक को follow करूँ, तो फिर दूसरा मुझसे कहेगा यार मुझे follow क्यों नहीं कर रहे? तो वो बड़ी एक endless बहस है. तो मैंने कहा यार फिर सारों के लिए एक यकसम यार बना दूं, मैं किसी को भी फॉलो नहीं करता. इंटरेस्टिंग, क्योंकि लोग ये कहते हैं कि आप बहुत नार्सिसिस्टिक हैं इसलिए आप किसी को फॉलो नहीं करते. इज दैट, डू यू एग्री विद दैट? नो, नॉट रियली. मतलब ये कि मैं तो एक, मैंने आपको बता दिया ऑनेस्ट उसका आंसर. अब उसकी इंटरप्रिटेशन जो भी हो, इट स्टार्टेड ऑफ लाइक दैट. और लेट मी आल्सो टेल यू कि मैं मेरे ट्विटर को मैनेज करने वाले टीम ऑफ 3. ओह इंटरेस्टिंग, ओके. और मैं जो अपना ट्वीट है पहले उनको भेजता हूँ, वो उसके ऊपर 10 मिनट जो है इंतजार करते हैं, क्योंकि अमूमन हम ट्वीट करने के बाद देखते हैं कि यार इसके अंदर कोई कॉमा गलत चला गया, लफ्ज़ गलत चला गया. वेरी नाइस. तो उसको देखते हैं, फिर उसके ऊपर मुझे एडिटोरियल फीडबैक देते हैं जी कि इसके ऊपर क्या फीडबैक आ सकता है. आई रियली लाइक दिस. एंड देन दे पुट इट अप. मैं खुद अपना ट्वीट जो है लिखता खुद हूँ, मेरा ट्वीट है, मैं पुट अप नहीं करता अपने ट्विटर के ऊपर. तो वो करते हैं. दैट्स रियली गुड. आई डोंट केयर व्हाट पीपल से, आई डोंट इवन लुक एट द फीडबैक. द टीम वेट्स द फीडबैक एंड देन इट टेल्स मी कि जी ये कोई सब्सटेंटिव बातें हैं जिसका आपने जवाब देना. वैसे आई थिंक यू माइट बी द ओनली पर्सन हु डज दिस. मैं, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, बिकॉज मैं, मुझे लोगों की आरा का एहतराम है, लेकिन लोगों की आरा की जो सैंक्टिटी है वो ओवर रेटेड होती है. और आजकल की एज जिसके अंदर बकवास ज्यादा है और डिबेट कम है, तो उसमें आपको सुनने की जरूरत नहीं है. मैं तो अपने बहुत सारे कुलीज को कहा यार अब क्यों दिमाग खपाते हो, ना देखा करो. तो इसका मतलब है तदत हुसैन डज नॉट हैव अ सीक्रेट ट्विटर अकाउंट? No. Okay, जिससे आप दूसरे लोगों को फॉलो करते हैं? No. बिल्कुल भी नहीं. Okay, excellent. Good to know. Can you go to your area जहाँ पे आप अपना YouTube show करते हैं? जी 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 आइए. Okay, let's go. There are actually two now. One is based out of my office. The other is here. आपने क्या ये सारी किताबें पढ़ी हैं? नहीं. Well, not yet, I would. In fact, library का तस्वीर ही है कि उसमें वो किताबें होनी चाहिए जो आपने नहीं पढ़ी. हाँ, सही बात है. I agree with that. So, वरना फायदा क्या? वो narcissistic चीजें हैं जिसमें आप कहें कि अच्छा मैंने ये भी पढ़ी है, ओह मैंने ये, मेरी क्या बात है, मैंने ये भी पढ़ी है. In fact, if you have books that you haven't read, it's a humbling experience. सही बात. यार मैंने ये भी नहीं पढ़ी, यार मैंने ये भी नहीं पढ़ी. तो इस वजह से I can surround myself with books which I want to read. Some of these books are half read, fewer are fully read, many have skipped and dipped through. Lekin I have another place jahan pe maine apni jo extra library wo rakhi hai, it has more books. Interesting. So yeah. Acha, few rapid fire questions. Aapka favorite cricketer kaun hai? Brian Lara and Vivian Richards too. Two. Favorite army chief kaun hai? Only one, not two. Favorite army chief? Should there be a favorite army chief? I think General Kiani, first 3 years. Interesting. Yeah. Favorite politician? Favorite politician, Benazir Bhutto. Favorite anchor? Favorite anchor, aajkal, I honestly don't have one. I mean, I do watch many people, but really, I don't have a favorite. No favorite yet. Aap zyada kisko dekhte hain, if I can ask? ज़्यादा मैं किसी को भी नहीं देखता. आई डोंट वॉच टीवी मच, बट जब मैं देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि न्यूज़ के एतबार से दुनिया के ऊपर अपीयर हो रहा है. जियो को मैं देखता हूँ, समा के ऊपर भी मैं देखना होता है कि किस नदीम के पास कौन सा है. फेवरेट टीवी शो या मूवी? मूवी तो बहुत सारी हैं. टीवी शोज किस किस्म के? करंट अफेयर्स. नेटफ्लिक्स भी चलता है जिसमें झुकते लग रही है ना. आई वॉच दैट. आई हैव दिस, यू नो, हम जो कि लाहौर में आगे पीछे घूमते रहते थे यार, तो हमें बहुत ज़्यादा है ना जुगतबाजी का बहुत शौक है. तो मुझे जुगते बहुत अच्छी लगती हैं. तो वो जो जिसमें अच्छी जुगते होती है, भंड पुना नहीं, अच्छी जुगते होती हैं. ठीक ठीक. तो वो मैं देखता हूँ ज़्यादा. सो मोर लाइक स्टैंड अप कॉमेडी टाइप सिचुएशन. या एंड यू नो आई थिंक सम ऑफ दीज गाइज, इवन दो द लाइंस आर रिहर्स्ड, उनका बहुत अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है. सही बात है, डिलीवरी बड़ी अच्छी है. या या. फेवरेट खाना आपका क्या है? Barbecue, any type of barbecue, frankly. I'll just eat a lot of meat. A lot of meat. कभी कभी मैं क्या सोचता हूँ कि हमने पाकिस्तान आज़ादी गोश्त खाने के लिए किया. अच्छा, हाँ ये हो सकता है वैसे वाकई, क्योंकि आप सुना है मीठा भी नहीं खाते. क्यों? बहुत कम. आई थिंक इंक्रीजिंगली आई हैव अ स्वीट टूथ. अच्छा. And like Oscar Wilde said, I can resist anything except temptation. Sahi. So I can resist many things except meetha. So main chahta hu ki meetha ghar mein nahi ho. Aur alhamdulillah meri begum jo hai wo khud bhi kuch bhi nahi khati hai. To is wajah se meetha kam hi aata hai, lekin jab aata hai to fir main khata hu. I don't believe ki aap jo gunah hai bilazzat nahi hona chahiye. Agar aapne indulge karna hai to fir aap pura indulge karein. Agar aapne khani hai barfi, tukda nahi khaye,
पूरा ही खा लिया। पाँव के करीब तो खाई। सही बात है, पाँव ज्यादा हो गया लेकिन वैसे दिन में खाई जा सकती है। सही बात, खाई जा सकती है। अच्छा आपका, आप पंजाब से हैं तो आपके फेवरेट सीएम कौन रहे हैं, बुज़दार, शहबाज या इलाही? Perspective पे depend करता है। Buzar certainly not. Yes. Parvez Ilahi, not really. By default, Shahbaz Sharif. देखा मतलब आपने list ही ऐसी बनाई है। Okay, ये क्या मैं मुझे और डालूँगी क्या? मुझे से नक भी डाल देती हूँ अगर आप चाहें। हाँ नहीं, वो ना अभी मैंने आज ही tweet किया, वो कब्रिस्तान के अंदर वो एक red carpet डाला हुआ है, उसके ऊपर वो चल रहे हैं, मतलब Oh my God. मतलब okay. Really. Yeah. Really is a good point. Maryam या Bilawal? मतलब क्या as a politician? Yes, pick one. Please. I think Maryam, because of the way she evolved. Interesting choice. The way she, and I hope evolution के अंदर बड़े stages आते हैं. अब मुझे जब से नवाज शरीफ साहब रिटर्न हुए मुझे लगता ये है कि वो थोड़ा सा ना किसी और तरफ जा रही हैं. तो but during opposition she evolved very strongly. She did. तो इस वजह से आई एग्री विद दैट। अच्छा ये बताएं, योर एक्सपीरियंस ऑब्वियसली आज इजराइल पैलेस्टाइन, सी अ बुक ऑन जूडाइज्म ऑन योर बुक ऑन योर टेबल आल्सो, आप मौजूद थे फ्लोटिला पर जब, उसका कुछ बता सकते हैं? डू यू थिंक इट वाज, यू कुड हैव प्रेडिक्टेड व्हाट इज हैपनिंग नाउ विद योर एक्सपीरियंस देयर? देखें एक तो वो लंबी स्टोरी है, लेकिन ये मैं आपको बता सकता हूँ कि जिस दिन सुबह इजराइल ने उन चिप्स पे अटैक किया था, उस दिन हमने अपने जो शिप के ऊपर जो डिस्कशन ग्रुप्स बने हुए थे उसके अंदर हमने उनको बताया कि ये मुमकिन तौर पर सुबह काज़िब यू नो ब्रेक ऑफ डॉन जो है वो अटैक कर सकते हैं। तो वो अच्छा, अरब्स हमें संजीदगी से लेते नहीं हैं, ठीक है। उन्होंने कहा तुम्हें क्या पता साउथ एशिया से आए हो भाई, तो ये भाई मिडल ईस्ट है, तो मैं नहीं पता इसका। तो आई वॉज टॉकिंग टू माई ब्रदर हेयर ऑन द सैटेलाइट फोन इट स्टिल वर्किंग, तो वो मैं बता रहा था जेल बिल तैयार की हुई है, तो मेरा मतलब इसराइल जो कहता है वो करता भी है। तो हमने उनको बोला, तो अभी भी मेरे पास रिकॉर्ड्स भी मौजूद हैं, तो उन्होंने कहा जी नहीं नहीं कुछ नहीं होगा। जब ड्रोन घूमे ना सुबह, तो फिर अच्छा उनको तो ड्रोन्स का पता नहीं था। अच्छा। जब वो जू जू हुई ना, तो हाशिम आमला का कजन इब्राहिम मुजबित में ब्रिटिश सिटीजन है, तो ही टोल्ड मी कि यार ये क्या आवाज क्या आ रही, मैंने कहा ड्रोन है इब्राहिम। हाँ। कहता हाउ डू नो, मैं कहा मैं काउंटर टेररिज्म कवर कर कर फाटा में, उस वक्त फाटा होता था। हाँ। हमें बड़े इयर्स आर ट्यून्ड टू इट, या न्यू न्यू उसको, तो वन नोबडी एंटिसिपेटेड द इजरायलीज वुड डू इट, या वी सर्टेनली डिड नॉट एक्सपेक्ट द ब्रूटैलिटी ऑफ इट। मैंने पहली मर्तबा जो है मतलब उस शिप के ऊपर जो है जो मेरे हाथ में बंदा जो है उसको गोली लगी, कैमरा मैन था हमारे सामने, दो बंदों को उन्होंने मारा, भेजे उड़ा दिया, वो जो भी उनको फिल्म करता था ना ऊपर, तो हेली से आपको मैं डॉक्यूमेंट्री की वो भेजूंगा लिंक, आप उसमें देखिएगा, वो लिटरली जिस तरह होता है ना बुलेट्स रिकोशेट कर रही हैं, टन टन गुन इस तरह की आवाज़ें आ रही थी, एंड वी थॉट दैट्स इट। सो आई कॉल्ड अप, उससे पहले मैंने अपनी बेगम को कॉल किया, आई सेड सैटेलाइट इज गोइंग टू बी जैम, ये भी हमने उनको बताया बाय द वे। तो उन्होंने कहा हाउ डू यू नो, मैंने कहा ये हम मुशरफ की इमरजेंसी अभी भुगता के आए हैं। उसने जो है ऑनेस्ट टू गॉड आई टोल्ड हिम, उसने कहा कि उसने चैनल्स की बीम्स के ऊपर ब्लैक बीम्स ओवरराइड करवा दी थी, तो वो आपका एक चीज भी नहीं जाने देंगे। सो नोबडी बिलीव दैट। सो या इफ आई कुड डेयर से कि उस वक्त हमने बताया था विच नोबडी एंटिसिपेटेड बेस्ड ऑन अवर एक्सपीरियंस इन साउथ एशिया, ये जो ब्रूटैलिटी है, व्हेन ही सेड के हमास विल लिव टू रिग्रेट दिस, आई न्यू कि ये ऐसा ही करेगा। हाँ तो वैसे ही कर रहे हैं, वैसे ही करें, जो ऑब्वियसली लगता है बिल्कुल they're never going to stop. अच्छा, I have the last two questions. मुझे बताइएगा कि who will become the next prime minister of Pakistan? सीरियस सवाल है और आई एम श्योर बहुत एनालिसिस के बाद आप जवाब देंगे। नहीं एनालिसिस की बात नहीं, नहीं मुझे पता। I can tell you कि उसकी लॉजिक क्या होगी। अच्छा लॉजिक भी है उसमें। उसके फ्रॉम द लुक्स ऑफ इट, जी फ्रॉम द लुक्स ऑफ इट, नवाज शरीफ लुक्स सेट टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर। जी उसकी वजह यह है कि उसकी अपोजिशन जो है वो सारी तितर बितर हो गई है, और पीपल्स पार्टी पीटीआई का वोट लेना चाह रही है, लेकिन पीटीआई का वोटर जो है हो सकता है वो वोट डाले अपने पांव के साथ, यानी वो बाय नॉट वोटिंग, राइट? सो बाय डिफॉल्ट जो है मुझे लगता है नवाज शरीफ जीत जाएगा, बट इट्स अ अपहिल टास्क। जो पीडीएम का सारे का सारा गुनाह है वो
पीपल्स पार्टी ने सारा उनकी तरफ शिफ्ट कर दिया वेरी इफेक्टिवली. तो उनको अपने वोटर का, अगर उन्होंने अपने वोटर के वोट डलवा लिए तो जीत जाएंगे. Are you looking forward to the next 5 years? Last question. You're looking forward in which way? Are you a journalist? Next 5 years, Nawaz Sharif. नहीं, हम तो देखें, in a way, अब मैं तो कभी कभी कहता हूँ गोरखनों जैसा काम हमारा हो गया है. I mean, जितना ज्यादा कहत फैलेगा उतना हमारा काम बढ़ जाता है. आई एम एक्चुअली विशिंग फॉर लेस वर्क, विच मीन्स कि कम chaos हो. मतलब कोई हम कोई काम की बात कर सके, पेशी लग गई है, पेशी नहीं लगी, हुन आ गया है, हुन चला गया है, हुन वो पकड़ा गया है, अल्लाह का वास्ता है. वी वांट टॉक अबाउट एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, जस्टिस, कचहरी, यू नो, स्पोर्ट्स, अ मिलियन थिंग्स. एंड यू थिंक ये हो जाएगा? वी शुड, आई एम होपिंग कि मुझे बहुत ज्यादा जर्नलिज्म उस किस्म का ना करना पड़े जिस किस्म का हम इस वक्त कर रहे हैं. इनफ ऑफ दैट. एग्जैक्टली. थैंक यू सो मच सरत साहब, दिस वाज अ ग्रेट इंटरव्यू, आई हैड अ ग्रेट टाइम. थैंक यू वेरी मच. एंड आई लीव यू टू इट, आई नो आपका जिम का शायद वक्त हो. या. थैंक यू. थैंक यू.